उत्तरी इसराइल लगातार हिजबुल्ला के हमलों से दहल रहा है। एक बार फिर लेबनान से खतरनाक रॉकेटों ने इजरायली बेस को धमाकों से हिला डाला। इजरायली रमत डेविड एयरबेस पर हिजबुल्ला ने भारी रॉकेटों से हवाई हमलों की बौछार की। लड़ाकों ने हाइफा शहर के पूर्व में इजरायली वायु सेना बेस पर दर्जनों फदी वन और फदी टू लंबी दूरी के रॉकेट अटरली गोले दागे। ये पहली बार है जब हिजबुल्ला ने इन रॉकेटों का इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल किया है। नासरिया जिले में बना बेस कई इजरायली वायुसेना स्क्वाडन और F-16 लड़ाकू जेट का ठिकाना है, जहां से लेबनान पर हमलों को अंजाम दिया जाता है। समूह ने अपने दावे की पुष्टि करते हुए वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि लड़ाकों ने 1.5 महीने पहले ही इस इलाके की रेकी की थी। अपने एडवांस ड्रोन की मदद से लड़ाकों ने इलाके का वीडियो बनाकर विमानों की तैनाती सुनिश्चित की थी। हिजबुल्ला का हुपो ड्रोन पहले भी रमत डेविड एयरबेस के ऊपर से उड़ान भर चुका था, जहां इसने बेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी रिकॉर्ड की थी। बताया जाता है कि रमत डेविड एयरबेस, जिसको एजर वीचमैन बेस भी कहा जाता है, इजरायली बल इसका इस्तेमाल लेबनान और सीरिया की ओर से हवाई अभियानों के लिए करते हैं। ये उत्तरी इलाके में एकमात्र इजरायली वायुसेना का एयरबेस भी है। इस बेस में 109 स्क्वाडन F-16D बराक लड़ाकू जेट को ऑपरेट करती है, तो वहीं 105 स्क्वाडन F-16D बराक लड़ाकू जेट को और 101 स्क्वाडन F-16C बराक लड़ाकू जेट को ऑपरेट करती है। इस बेस पर 160 स्क्वाडन और 157 स्क्वाडन भी तैनात है, जो UAV का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा इस बेस में 4 स्क्वाडन भी हैं, जिन्हें क्षेत्रीय सहायता, रखरखाव और परिचालन प्रबंधन का काम सौंपा गया है। अल मयादिन की रिपोर्ट के मुताबिक एयरबेस पर दागे गए रॉकेट हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड इमारत ठिकानों से लॉन्च हुए थे। इन लंबी दूरी के अटरली रॉकेट को पहली बार इस्तेमाल में लाया गया है। इन्हें इजरायली लक्ष्यों पर सबसे गहरे रॉकेट हमलों में से एक बताया जा रहा है। फदी वन 220 mm कैलिबर का रॉकेट है, जिसे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है। ये इमाद 4 वीडियो में देखे गए रॉकेटों में से एक है। इसकी अधिकतम सीमा भी 80 किलोमीटर है। वहीं फदी 2 302 mm कैलिबर का रॉकेट है, जिसे MLR से लॉन्च किया जाता है, और ये इमाद 4 वीडियो में देखे गए रॉकेटों में से एक है। इस प्रोजेक्टाइल की अधिकतम सीमा 105 किलोमीटर है। हिजबुल्ला ने पिछले महीने दावा किया था कि उसके इमाद 4 बेस उन दर्जनों ठिकानों में से एक हैं, जिसका दुश्मन के किसी भी हमले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दावा है कि हिजबुल्ला लड़ाकों की ओर से इतने जोरदार हमले हुए कि बड़े पैमाने पर सायरन बज गए। इजरायली सेना ने बताया कि ये हमला उस लक्ष्य पर किया गया था, जिसे हिजबुल्ला ने 2 महीने पहले अपने एक वीडियो में दिखाया था। इजरायली मीडिया की माने तो अफुला शहर समेत 74 इजरायली बस्तियों में अलर्ट सायरन बजे। इजरायली सैन्य कमान ने बताया कि हिजबुल्ला ने शुरुआती हमले में रमत डेविड एयरबेस पर लंबी दूरी के रॉकेट अटरली गोले दागे, जिनमें 175 किलोग्राम वजन का विस्फोटक वॉरहेड भी था। पिछले कुछ दिनों में इजरायली युद्धक विमानों ने लेबनान के इलाकों में प्रतिदिन लगभग 50 हमले किए हैं। इजरायली मीडिया ने बताया कि 15 में से केवल 8 रॉकेटों को हवाई सुरक्षा द्वारा रोका गया। ये पहली बार है जब हिजबुल्ला ने इजरायली इलाकों में इस क्षमता के रॉकेट दागे हैं। इजरायली मीडिया ने संकेत दिया कि हाइफा के पास और कब्जे वाले अल जलील में अन्य क्षेत्रों को लगभग 100 रॉकेटों से निशाना बनाया गया था।